यही से कर्नल अजय जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हम देख रहे हैं कि सोयाबीन कहीं ना कहीं स्टक होके रह गई है। पहले तो हमने 6000 के नीचे जाते हुए देखी, अब देख रहे हैं कि 6200 से 6250 पर आज कुछ बढ़ती नज़र आई है, लेकिन अभी भी 6200 के लेवल्स ही हैं। हालांकि 6300 का हाई भी लगता नज़र आया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आज सोयाबीन में तेजी की संभावना बन सकती है या फिर ऐसी सीमित दायरा रहेगा? देखिए, कुछ सप्ताह पहले जब सोयाबीन को बाजारों से रिमूव किया गया था, उस वक्त हमने एक महत्वपूर्ण चर्चा आपसे की थी। हमने कहा था कि हवा और पानी को कोई रोक नहीं सकता, किसी भी प्रकार की जो बंदिशें हैं वो बहुत छोटी अवधि के लिए परेशान कर सकती हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए वो बिल्कुल भी असरहीन होंगी और वो दिशाहीन होंगी। क्योंकि महत्वपूर्ण वो रहेगा कि सोयाबीन के प्राइस भारत निर्धारित कर ही नहीं सकता। जब हम 65% से अधिक का आयात करते हैं अपनी खपत का, अपनी कंजम्पशन का, अपने उपभोग का, तो आप उस पर नियंत्रण रख ही नहीं कर सकते। यदि आप भारतीय रुपया की तरफ देख लें, कल भी 25-30 पैसे का बड़ा फर्क रहा था, गिरावट हुई थी डॉलर के खिलाफ, एक महत्वपूर्ण बिंदु था। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर विदेशी जो मेन उत्पादक देश हैं, चाहे अमेरिका हो, अर्जेंटीना हो, वहां पर काफी फर्क पड़ रहा है। वहां पर परेशानियां बढ़ रही हैं, मौसम खराब हो रहे हैं, उसका भी असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर का प्रभाव हमारे भारतीय बाजारों पर भी पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर जिन्होंने नीचे स्तर पर माल खरीदा था, उनको अब ऊपरी स्तरों पर माल की थोड़ी बिकवाली करनी चाहिए। और फिर ये बाजार में जब ये नीचे आएगा, जिसकी संभावना है, उसको भी हम अपडेट करेंगे टाइमली आपको, उस समय पुनर्माप माल खरीदिए, ऊंचे स्तर पर माल बेचना चाहिए। लेकिन फिर मैं आपको दोबारा कहूंगा कि इंटरडे के अंदर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको वॉलेटिलिटी से बचना चाहिए। ये ले लीजिए जी। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाए, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।